नमस्कार श्री यादव मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि, स्वागत करता हूं आपका इस शतक पर। मित्रों, 18 मार्च 2018 से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2075 आरंभ होगा और इस वर्ष आपको बता दूं 2018 में विक्रम संवत 2075 जब शुरू होगा तो इसके जो मंत्रिमंडल में राजा हैं वो सूर्य होंगे और मंत्री जो हैं वो शनि होंगे, मेघ शुक्र और धनेश चंद्र होंगे। तो ऐसे में सभी राशि वाले बंधु माताओं बहनों के लिए किस तरीके से ये आने वाला पूरा वर्ष हिंदू नववर्ष बीतने वाला है ये आज मैं आपको जानकारी दूंगा और बताऊंगा आपको धन संबंधी कब कब परेशानियां हो सकती हैं और धन संबंधी यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो उसके निमित्त आपको क्या उपाय करना चाहिए अपनी राशि अनुसार। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ और मैं चाहूँगा कि ये सभी लोग माताएं बहनें अपनी राशि अनुसार जो है उपाय भी करें और हमें फीडबैक भी दें एस्ट्रो तक को, और एस्ट्रो तक को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मित्रों, शुरुआत जैसा कि हिंदू नववर्ष की हो रही है, 18 मार्च 2018 से विक्रम संवत 2075 लग जाएगा। ऐसे में मेष राशि के जो जातक हैं उनको किस तरीके से धन संबंधी फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है या क्या धन संबंधी वो धन के रिगार्डिंग जो है उनको उपाय करने हैं। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को आर्थिक मामले में इस साल थोड़ा सा बेहतर फाइनेंशियल जो है प्लानिंग करके चलने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में इस साल आप अपने घर के रेनोवेशन पर, घर के रख रखाव पर, अपनी गाड़ी पर, यानी चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी है आपको खर्च करना पड़ सकता है। राशि से चतुर्थ भाव के अंदर राहु की युति, आपको बता दूं राहु का बैठना राशि से चतुर्थ भाव के अंदर हर तरीके से जो है आपके खर्च को बढ़ा सकता है। ऐसे में आपके ऊपर लोन का भार बढ़ सकता है, कर्ज की स्थिति बन सकती है, आपको बहुत सोच के समझ के अपने खर्चे करने हैं और ज़्यादा खर्च से आपको बचना है। ऐसे में उनके भाग्य में धन की वृद्धि हो, भाग्य के हिसाब से उनको धन की त्वरित रूप से प्राप्ति हो, ऐसे में उनको कुछ ना कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए। कुछ शादी के लिए भी आप कर्ज या लोन ले सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उतना ही लोन लीजिएगा जितना आप चुका पाएं। अब आपको बता देता हूँ कि जितने भी मेष राशि के जो जातक हैं वो क्या ऐसा खास उपाय करें कि ये हिंदू नववर्ष जो आरंभ हुआ है उनके लिए हर तरीके से ओतप्रोत हो जाए, धन को लेकर, हर तरीके से सेहत को लेकर। ऐसे में मेष राशि के जातकों को हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी को पंचवेवा का भोग लगाना है, श्री सूक्त का पाठ करना है और साथ ही साथ गुलाब का इत्र हो सके तो अपनी धर्म पत्नी या पति के साथ जाकर किसी भी लक्ष्मी मंदिर के अंदर, विष्णु लक्ष्मी मंदिर के अंदर जाकर आपको चढ़ा कर आना है और हो सके तो थोड़ा प्रसादी के रूप में वहां से वो आप इत्र ले लीजिएगा और स्वयं भी हर शुक्रवार को उसको लगा के देखिएगा। हर तरीके से आपको लाभ होगा, हर तरीके से धन संबंधी जो परेशानी आपको नववर्ष में आने वाली थी माता रानी की कृपा से टोटली फिनिश, तो इसलिए टेंशन खत्म हो जाएगी, उपाय अवश्य करिएगा। अगली राशि आ जाती है मित्रों, वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, वृषभ राशि इस समय है ढैया के प्रभाव में और आपको बता दूं मित्रों इस साल आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। साल के मध्य में आपको हो सकता है कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाए, सोच समझकर आप कर्ज लीजिएगा। सितंबर के बाद आर्थिक स्थिति थोड़ा सा बेहतर हो सकती है लेकिन कार्यों में वृद्धि हो, कार्यों में लाभ हो, इसके लिए आपको उपाय भी बताऊंगा। लेकिन भविष्य को लेकर अपने वित्तीय योजना जो भी है आपने बनाई हो उसको सोच समझ कर आपको लेकर चलना होगा और यात्राओं पर थोड़ा खर्च हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं राशि से तीसरे घर के यानी वृषभ राशि से थर्ड हाउस का राहु छोटी छोटी यात्राएं अवश्य करवाएगा और आपका खर्च भी थोड़ा सा बढ़ा सकता है। ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको माता रानी की पूजा अवश्य करनी है। माता रानी की पूजा किस तरीके से करेंगे आप, रात्रि में आप माता रानी के मंत्र जाप कर सकते हैं और उपाय के तौर पर आप मंगलवार की रात्रि को 5 मुट्ठी साबुत मूंग लीजिएगा और उन्हें भिगो दीजिएगा और वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आप जो है पक्षियों को डाल दीजिएगा और गऊ को चारा अवश्य खिलाइए। हर तरीके से आपके धन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी और हर तरीके से आपको धन की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अब बता देता हूं मित्रों आपको मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जो जातक हैं वो किस तरीके से अपने आप को धन से ओतप्रोत करें, धन उनके लिए इस साल जो है बहुत बेहतर तरीके से वो प्राप्त कर पाएं। ऐसे में मिथुन राशि के जो जातक है, मिथुन राशि का स्वामी हो गया, आपको बता देता हूँ मिथुन राशि का स्वामी बुध हो गया। द्वितीय घर के अंदर राशि से द्वितीय भाव के अंदर राहु का गोचर, हर तरीके से धन का अपव्यय।
सबसे पहले तो आपको बता दूं, धन का अपव्यय यदि हो रहा हो तो आपको ये नहीं पता चल पाता कि धन आपको किस योजना में लगाना है, किस जगह निवेश करना है, किस पर खर्च करना है, किस पर नहीं करना। बुद्धि थोड़ा सा उस समय भ्रमित हो जाती है। तो इस तरीके से आपको सोच समझ के अपना फैसला लेना है। खर्च पर नियंत्रण इस साल आपको अवश्य रखना है। पिछले साल के मुकाबले इस समय जो है खर्च ज़्यादा हो सकता है इस साल। आर्थिक लेन देन जो भी करनी है आपको, उसमें आपको सावधानी अवश्य बरतनी है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना इस साल आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि आप लगाने के भी इच्छुक हैं, बहुत सोच के समझ के किसी अपने एक्सपीरियंस बंदे की मदद से ही आप वो पैसा इन्वेस्ट करिएगा। हम आपको उसके इन्वेस्टमेंट के लिए मना करेंगे। और आपको बता देता हूँ, जोखिम भरा जो निवेश हो जाता है, बहुत रिस्की, अगर आपने कोई इस तरीके से कोई डिसीजन ले लिया है कि उसमें पैसा आपका डूब सकता है, तो उससे बचिएगा अपने आप को। रात्रि में क्या करना है उपाय के तौर पे, रात्रि में चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ देना है और पीले पुष्प श्री हरि के श्री चरणों में अर्पण करने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है। तो ऐसे में जितने भी मिथुन राशि के जो जातक हैं वो इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि ये उपाय करने के पश्चात उनको धन संबंधी कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आने वाली। तो ऐसे में आपको बता दूं मित्रों, कि यदि आप इन उपायों का सहारा लेते हैं और पूरी श्रद्धा भावना से इन उपायों को करते हैं, तो लाभ आपको अवश्य होगा। क्योंकि ये जो हम आपको बता रहे हैं धन संबंधी, ये आपके ग्रहों के आकलन के हिसाब से कि आपको आने वाले वर्ष में कोई भी वित्तीय योजना बना रहे हैं आप, कोई भी ऐसा धन संबंधी कोई फैसला ले रहे हैं आप, तो उसमें आपको परेशानी ना हो, इसके निमित्त ही हमारा उद्देश्य है आपको पहले से ही आगाह कर दिया जाए। बारी आ जाती है मित्रों कर्क राशि की। कर्क राशि के जो जातक हैं उनको बता दूं, लग्न के अंदर राशि के ऊपर राहु का प्रभाव, राहु का हम तो कहेंगे दुष्प्रभाव, राशि चंद्रमा की लग्न में राहु, राशि में राहु, तो हर तरीके से दोनों एक दूसरे के एंटी। ऐसे में इस साल आपको आर्थिक मामले जो हैं, बहुत सोच के समझ के आर्थिक मामलों में फैसला लेना है। और आपको धन के अभाव के कारण, लेकिन आपका कोई कार्य रुकेगा तो नहीं, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी आपका जो सूर्य है वो हर वर्ष, माफ कीजिएगा, हर महीने जो है वो अपनी पोजीशन बदलता रहता, तो धन संबंधी आपका कार्य रुकेगा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत आ सकती हैं। ऐसे में वर्तमान जो स्थिति है उसमें आपको फैसला सोच समझ कर लेना है। निवेश जो है बहुत सोच समझ कर करना है। बिजनेस में आपको नुकसान हो सकता है, इस नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना है, किसी अपने बड़े की, बुजुर्ग की, अपने किसी बंधु भाई बहन की सलाह जरूर लेनी है। बिना सलाह लिए आप कार्य बिल्कुल ना करिएगा, अन्यथा आपका नुकसान तय है। ऐसे में चंद्रमा को बेहतर बनाने के लिए, द्वितीय भाव को अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे, धन की स्थिति और बेहतर हो जाए, ऐसे में नेत्रहीन लोगों की आप सेवा करिएगा, नेत्रहीन विद्यालय आप जाइएगा, उन लोगों की कुछ आर्थिक तौर पर कुछ जो है भोजन देकर, कुछ द्रव्य दक्षिणा देकर आप उनकी मदद अवश्य करिए, और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र का दान आपको हर तरीके से लाभान्वित करेगा। तो ये मैंने बताया मित्रों आपको कर्क राशि के बारे में। अब बताता हूं आपको सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि मित्रों, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, जो कि हर महीने अपनी पोजीशन बदलता रहता है, ऐसे में यह साल आर्थिक रूप से तो आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन पैसों की कमी भी नहीं रहेगी, लेकिन पैसा उधार भी आपको लेना पड़ सकता है, क्योंकि राशि से 12वें घर के अंदर राहु हर तरीके से आपका खर्चा बहुत तेजी से बढ़ाएगा। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। व्यापार से आपको लाभ तो होगा, सरकारी काम से भी आपको लाभ होगा, लेकिन कारोबार में निवेश से पहले अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए बहुत जरूरी है। राहु जल्दबाजी से आपका कार्य बिगाड़ सकता है, आपका नुकसान करवा सकता है। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में जितने भी हमारे सिंह राशि के जो जातक हैं, जिनकी राशि से 12वें घर में राहु है, राशि से 3रे घर के अंदर बृहस्पति है, और राशि से 5म भाव के अंदर शनि की स्थिति, थोड़ा सा आपके डिसीजंस को लेकर, आपके पेट संबंधी समस्याओं को लेकर आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को क्या करना है, बुधवार के दिन पक्षियों को बाजरा डालना है और कंबल का दान करना है, और यथासंभव हो सके तो सूर्य मंत्रों का आपको जाप करना है। ये रहेगा सिंह राशि वालों के लिए उपाय। अब मैं आपको बताता हूं जो कन्या राशि के जातक है। कन्या राशि का स्वामी बुध, आपको बताता हूं, सूर्य के साथ ही गोचर करता है, लगभग एक घर आगे या पीछे। ऐसे में कन्या राशि के जो जातक हैं, इस साल उनकी आय में तो वृद्धि होगी, क्योंकि राशि से एकादश भाव के अंदर राहु हर तरीके से आपको लाभ तो दे देगा, लेकिन
कारोबारी जितनी यात्राएं करेंगे आप, वो सोचकर समझकर आपको करनी होगी और मुहूर्त के हिसाब से ही आपको करनी होगी। सितंबर के बाद आप अपने परिवार के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। अक्टूबर के बाद लाभ की स्थिति आपकी और बेहतर होती जाएगी, लेकिन अनुभवी लोगों की सलाह आपको लेनी होगी। एक्सपीरियंस लोगों का आपको सानिध्य जरूर मिलना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हो सके तो ज़रूरतमंद लोगों की आप मदद करना आरंभ कर दीजिएगा, हर तरीके से आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि के जो जातक हैं उनको मैं बताता हूँ कि राशि से चतुर्थ भाव का शनि, यानी जो ढैया के ये प्रभाव में हैं, वो ढैया इनको थोड़ा सा टेंशन में डाल सकती है। धन की तो प्राप्ति हो गई, राशि से एकादश भाव का राहु आपको धन तो दिला देगा, लेकिन राशि से चतुर्थ भाव का शनि आपको ढैया के प्रभाव से कुप्रभावित कर आपके ऊपर दोष लगाकर आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, आपके डिसीजन लेने की क्षमता को जो है खराब कर सकता है। ऐसे में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जुलाई तक थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और हो सके तो स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, गली का जो कुत्ता होता है, उसे आप थोड़ा सा बिस्किट डाल दीजिए, रोटी खिला दीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बीमार लोगों की आपको दवा का इंतज़ाम यदि आप करा पाएँ, ज़रूरतमंद लोगों को, तो हर तरीके से आपको लाभ मिलेगा। और लक्ष्मी पूजन अपने घर की उत्तर दिशा में अवश्य करें, घर के अंदर जो उत्तर दिशा में जल की व्यवस्था आपको अवश्य करनी चाहिए, ये रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ मित्रों तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जो जातक हैं उनको क्या करना है इस वर्ष धन संबंधी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। मित्रों तुला राशि के जो जातक हैं, तुला राशि का स्वामी शुक्र, और राशि से आपको बताता हूं कि तीसरे घर के अंदर शनि का गोचर हर तरीके से इनके लिए शुभता लेकर आ रहा है। पैसों की कमी तो इस वर्ष आपको नहीं होगी, विक्रम संवत 2075 के अंदर आपको पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव और कड़ी मेहनत आपको करनी होगी। सकारात्मक बदलाव कैसे होगा, यदि आप अपने बेहतर जो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी आप सलाह ले लीजिएगा। कड़ी मेहनत स्वयं को आपको करनी होगी और नए कारोबार का जो आप निवेश करेंगे उसमें आपको 100% लाभ मिल जाएगा। विदेशी यदि कारोबार आपका चल रहा है तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको बता देता हूँ कि जुलाई तक भी आपको सोच समझ कर हर डिसीजन को लेना है, क्योंकि शनि और मंगल की युति जुलाई तक रहने वाली है। और मंगल जैसे ही यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे, उच्च होंगे, तो आपके लिए धन संबंधी फायदा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा, आपका कोई रुका हुआ कार्य धन संबंधी या जो कोई प्रॉपर्टी से संबंधित जो कोई विवाद चल रहा होगा, राशि से चतुर्थ भाव के अंदर उच्च का मंगल हर तरीके से आपको लाभ दिलाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में हो सके तो हर मंगलवार आप हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करिए, उन्हें लाल गुलाब के पुष्प अर्पण करिए, ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का हो सके तो लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से जाप वहीं पर करिएगा, और गायत्री मंत्र का जाप एक कटोरी गंगा जल लेकर कम से कम 27 बार जाप करिएगा और उस जल का पान करिएगा, यानी कि स्वयं सेवन कर लीजिएगा। और पीपल की जड़ में हो सके तो थोड़ा सा जल और कच्चा दूध और उसमें थोड़ा सा मिश्री मिलाकर आप अर्पण कर दीजिएगा। तो ये रहेगा तुला राशि वाले सभी बंधु माताओं बहनों के लिए उपाय कि वो किस तरीके से विक्रम संवत 2075 को, आने वाले अपने संपूर्ण वर्ष को हर तरीके से मंगलकारी करें, हर तरीके से अपने आप को धन संबंधी जितनी भी चिंताएं हैं उनसे स्वयं को मुक्त कर लें। अब बारी आ जाती है मित्रों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको इस तरीके से क्या करना है कि ये साल उनके लिए विक्रम संवत 2075 मंगलकारी हो जाए। भैया देखिए आपको मैं बता दूं, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, राशि से द्वितीय भाव के अंदर शनि का गोचर हर तरीके से 7.5 का प्रभाव, इस साल आपको धन संबंधी मामलों में बिल्कुल सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, बिल्कुल चौकन्ना रहना है। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव का शनि और 7.5 का प्रभाव हर तरीके से आपको जो है भ्रमित करके, हर तरीके से आपको कन्फ्यूज करके, आपके डिसीजंस को गलत करके आपका नुकसान करा सकता है। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला आपको हर तरीके से नुकसान देगा। अनावश्यक खर्च पर आपको ध्यान देना होगा, जो आप फिजूल खर्ची करते हैं उस पर सोचिए समझिए, अंकुश लगाइए फिजूल खर्ची पर, उसके बाद ही आप सोच समझ के खर्चा करिए। लेकिन एक बात बता दूं मित्रों, यहां पर आपको जीवन साथी के भाग्य से आपको यहां पर प्राप्ति अवश्य होगी, कुछ ना कुछ फायदा आपको अवश्य होगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर 2018 आपके लिए
सोसो यानी कि कुल मिलाकर शुभ रहेगा, लेकिन इस शुभता को बिल्कुल बरकरार रहे, ये शुभता बिल्कुल बरकरार रहे, ये शुभता हर तरीके से आपके लिए मंगलकारी भी बन जाए, ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों को क्या ऐसा कुछ खास करना है कि उनके लिए धन संबंधी समस्याएं बिल्कुल ना आए। तो ऐसे में वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना है। ये किसी आप शिव मंदिर में चले जाइए, शिव मंदिर में जाके आप रुद्राभिषेक कराइए, और हो सके तो गन्ने के रस से भगवान शिव शंकर का रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। जरूरतमंद लोगों को वस्त्र का दान करें। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस भगवान शिव के नमस्कार मंत्र को जो है आप नित्य प्रति प्रातःकाल उठने के बाद जो है आप अवश्य जपिएगा। हर तरीके से आपके लिए मंगल रहेगा, हर तरीके से धन की संबंधी जो परेशानी है वो आपको छूने नहीं पाएंगी। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो कुछ और भी उपाय कर सकते हैं कि प्रातःकाल हो सके तो घर के आसपास यदि कोई विष्णु मंदिर है वहाँ पर ये नंगे पैर जाएं और पीले पुष्प ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए ये जाएं और पीले पुष्प भगवान श्री हरि को अर्पण करें। तो हर तरीके से इनके लिए धन संबंधी जो परेशानी आने वाली थी नववर्ष 2075 के अंदर उसमें बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है। वृश्चिक राशि वाले सभी बंधुओं आपने जान लिया है। अब मैं अगली राशि को देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है धनु राशि आपके लिए मंगलकारी हो सकती है। मित्रों धनु राशि के जो जातक हैं, देखिए राशि पर शनि का गोचर, और आपको बताऊं ये साल आपके लिए शुभकारी हो जाए, लेकिन जुलाई तक आपको अपने स्वास्थ्य का खास तौर से ध्यान रखना है। मंगल शनि की युति जो जुलाई के पहले हफ्ते तक आपकी राशि पर रहने वाली है आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चा करा सकती है। आप मनोरंजन पर खर्चा करेंगे लेकिन वो खर्चा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन सेहत पर आपका खर्चा आपको बहुत दिखाई देगा, क्योंकि दो पापी ग्रहों की युति आपके राशि पर है, आपके लग्न में है। इसलिए ये साल आपको बता देता हूँ आपके लिए हर तरीके से शुभ हो जाए, और इस साल आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, आय के नए स्रोत जो है इस साल आपके अवश्य खुलेंगे। और अचानक निवेश से बिल्कुल बचना है, सडनली किसी के कहे अनुसार आपको कोई निवेश नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आपको कोई मित्र सखा बंधु ये कह दें आप वहाँ इतना इन्वेस्ट कर दीजिए और आप कर दें, इस चीज़ का आपको सोच समझ के फैसला लेना है, अन्यथा नुकसान आपको कन्फर्म है। और धनु राशि के जो जातक हैं उनकी राशि से अष्टम भाव कर राहु सितंबर अक्टूबर तक तो उनको काफ़ी परेशान करने वाला है, तो इसलिए वाहन चलाते समय भी आपको ध्यान रखना है। धन संबंधी आपको नुकसान हो सकता है, वाहन की चोरी हो सकती है, इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। लेकिन ये सारी टेंशन्स बिल्कुल ना आए धनु राशि वाले जातकों को। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको बताता हूँ। ऐसे में धनु राशि के जो जातक हैं उन्हें शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का या तिल के तेल का जो एक चौमुखा दिया प्रज्वलित करना है, और शनि मंत्र का ओम शम शनिश्चराय नमः ओम शं शनिश्चराय नमः जिस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं आप ध्यान रखिएगा, आपको एक माला रुद्राक्ष की माला से जाप करना है, और पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दिया जलाने के पश्चात अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, शनिदेव से प्रार्थना करनी है, और पीपल के वृक्ष की 7 प्रदक्षिणा करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सके तो वहाँ जल भी आप अर्पण कर सकते हैं, और जल अर्पण करने के पश्चात उस मिट्टी का थोड़ा सा तिलक अपने मस्तक पर अवश्य करिएगा। इस तरीके से यदि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे, जैसे धनु राशि वाले जितने लोग हैं द्वितीय भाव का जो धनेश है वो शनि है, तो ऐसे में राशि पर शनि और द्वितीय भाव का स्वामी शनि, तो ऐसे में आप झूठ का सहारा ना लें, अपने फायदे के लिए आप झूठ ना बोलें, अन्यथा आपका नुकसान होगा। और आपको छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ। धनु राशि के जो जातक हैं राशि से द्वितीय भाव के अंदर केतु का गोचर, हर तरीके से आपको शुभ कार्यों में रुचि लेनी चाहिए, धार्मिक कार्यों में रुचि लेनी चाहिए। और आपको बता देता हूँ राशि से अष्टम भाव के अंदर जो राशि से अष्टम भाव के अंदर जो राहु है वो आपको भ्रमित करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, आप जो डिसीजंस लेंगे उसमें आपको धन संबंधी ये नुकसान अवश्य कराएगा। तो ऐसे में ये मैंने आपको उपाय बताए, धनुराशि के जो जातक हैं उन उपायों का सहारा लें और बिल्कुल करें, हर तरीके से शुद्ध भावना से करें, हर तरीके से आपको 100% लाभ होगा। अब बारी आ जाती है मित्रों, आपको बता देता हूँ मकर राशि के जातकों की। मकर राशि का स्वामी आप जानते ही हैं शनि, शनि वाले
जितने भी जातक हैं जिनकी राशि मकर है, मकर राशि के जो जातक हैं उनकी राशि से 12वें घर के अंदर शनि हर तरीके से उनकी मणि पर नजर रखे हुए हैं। यानी कि शनि का 12वें घर के अंदर राशि से गोचर करना पूर्णतः 7.5 के प्रभाव में है। ऐसे में आपकी राशि से 12वां शनि हर कार्य के अंदर विघ्न डालेगा, आपके कुटुंब के अंदर कलह कलेश डालेगा और द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि शनि की तीसरी दृष्टि हर तरीके से धन का नाश करेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि जहां जहां पड़ती है जैसा कि सर्वविदित है उस जगह का उस भाव का जो है वहां पीड़ा पहुंचती है, उस भाव का नाश हो जाता है। तो ऐसे में शनि जो कि मकर राशि का स्वामी है इन लोगों को धन संबंधी क्या उपाय करने हैं कि आने वाला पूर्ण वर्ष जो है सारे का सारा वर्ष विक्रम संवत 2075 इनके लिए शुभ हो जाए। ऐसे में बहुत सोच के समझ के एहतियात बरत के ही आपको धन संबंधी कोई फैसला लेना है और बहुत सोच के समझ के अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही आप कोई कार्य करिएगा। व्यापार में आप निवेश ना करें तो ही आपके लिए बेहतर है, नौकरी और व्यापार में कोई चेंज ना करें वो ही आपके लिए बेहतर है। इसलिए बहुत सोच के समझ के सूझबूझ के अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेने के पश्चात ही आप जो है कोई कार्य करिएगा, धन संबंधी कोई भी निवेश कार्य। हम तो ये कहेंगे कुछ समय तक आप ना करें तो बेहतर रहेगा, समय क्योंकि आपके इस समय अनुकूल नहीं चल रहा। आपका कोई भी फैसला आपके धन संबंधी जितनी भी आपकी जो निवेश हैं उनमें नुकसान आपको अवश्य देगा। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं उनको भगवान गणेश को दुर्वा अर्पण करनी है। दुर्वा कैसे, कम से कम 27 दुर्वा की हरी पत्तियां लीजिएगा, बिल्कुल हरी हो, सूखी भी ना हो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उन्हें एक कलावे की सहायता से एक बांध लीजिएगा, गुच्छी बना लीजिएगा, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का मात्र 27 बार जाप करिएगा। इस दुर्वा के साथ एक सुपारी पर हल्दी लगाकर ये दुर्वा और सुपारी गणेश जी के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। और आपको बता देता हूँ पीपल के वृक्ष की 7 प्रदक्षिणा करिएगा, ये हर तरीके से आपको लाभ देगी। और एक बात बता देता हूँ मित्रों, यदि आप झूठ बोलने से थोड़ा सा परहेज करें क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी शनि, यदि आप झूठ बोलने से परहेज करें, झूठ बोलने से आप अपने आप को बचाने का जितना प्रयास करें ये आपके लिए वर्ष उतना उत्तम हो सकता है। तो इस तरीके से मकर राशि के जो जातक हैं भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करें और शनि मंदिर में जाकर एक तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, हो सके तो सायकाल सूर्यास्त के पश्चात। अब बताता हूं आपको कुंभ राशि के बारे में, कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये वर्ष कैसा बीतने वाला है। मित्रों कुंभ राशि का स्वामी शनि, आपको बता देता हूं शनि आपको अवश्य देगा मनी, यह साल आपके लिए बहुत शुभ है धन कमाने के लिए, खास तौर से हर तरीके से लिए, क्योंकि राशि से 11वें घर के अंदर देखिए कुंभ राशि का स्वामी शनि और राशि से 11वें घर के अंदर शनि का गोचर हर तरीके से आपको लाभान्वित अवश्य करेगा। ऐसे में जो आप कड़ी मेहनत करेंगे उसका परिणाम बहुत शुभ होगा। इस साल जो आपका पुराना कर्जा लिया हुआ होगा वो भी चूक जाएगा, धन की आवक जो है पहले से अधिक हो जाएगी। साल आर्थिक दृष्टि से यदि मैं आपको बताऊं हर तरीके से आपके लिए लाभप्रद अवश्य होगा। ऐसे में ये साल आपके लिए और ज़्यादा लाभप्रद हो जाए हर तरीके से आपके लिए ओतप्रोत हो जाए धन को लेकर, तो आप कुछ उपाय अवश्य करिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, हो सके तो केले के वृक्ष के नीचे गाय के घी का जो है एक दीपक प्रज्वलित करें, पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। दोनों ही दीपक जो आप बनाएंगे गाय का घी का और सरसों के तेल या तिल के तेल का, वो चौमुखा तैयार करिएगा और आटे का दीपक तैयार करिएगा। तत्पश्चात आप केले के वृक्ष के नीचे जो है थोड़ा सा आप जल भी अर्पण कर दीजिएगा और उस मिट्टी का अपनी अनामिका उंगली से मस्तक पर तिलक करिएगा। कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं इस उपाय को करें, ऐसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पण करने के पश्चात आपको जो है अपने मस्तक पर तिलक अवश्य करना है। ऐसे में कुंभ राशि के लोग कुछ और भी उपाय कर सकते हैं, करना क्या है, माँ लक्ष्मी को आप पंचमेवा का भोग लगाइए। और आपको बता दूं जो भी जातक चाहते हैं कि उनके धन संबंधी जो है परेशानी बिल्कुल उनके ना पास ना भटकने पाए, ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको अपने द्वितीय भाव और एकादश भाव से संबंधित उपाय अवश्य करना चाहिए। ऐसे में क्या रहेगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए रामबाण साबित होगा। पीले आसन पर बैठ जाइएगा, ईशान कोण की तरफ मुख करिएगा, स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करिएगा और धारण करने के पश्चात उच्च स्वर के अंदर ओम
नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक जाप, एक माला जाप करने के पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। पाठ के पश्चात ये जल अपने समस्त घर में छिड़क दीजिएगा। पाठ करने से पहले आप जल भी रख लीजिएगा और उस जल को जो है स्वयं पी लीजिएगा और अपने व्यापारिक स्थल पर अपने घर में अवश्य इसका छिड़काव करिएगा। हर तरीके से श्री हरि की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और आपके व्यापार पर अवश्य होगी। अब बारी आ जाती है मित्रों मीन राशि की। मित्रों मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये साल मिक्स रहेगा, यानी कि सम रहने वाला है। कुछ फायदा तो कुछ नुकसान भी, दोनों तरीके का ये साल उनके लिए साबित होने वाला है। मीन राशि से आपको बता दूं, दशम भाव के अंदर शनि का गोचर, हर तरीके से कार्यों में कुछ ना कुछ विघ्न भी आ सकता है तो कुछ परेशानियों का सॉल्यूशन भी मिल सकता है। जो भी फैसला लें, खासतौर से निवेश को लेकर, सोच समझ के आपको लेना है। पार्टनरशिप के लिए समय जो है बिल्कुल शुभ नहीं है, अन्यथा आपको धोखा भी मिल सकता है। पार्टनरशिप बिल्कुल ना करिएगा। और आपको बता दूं उपाय के तौर पे आपको क्या करना है। उपाय जब भी मीन राशि वाले बंधु करें तो मंगल से संबंधित ये उपाय करें, क्योंकि वहां से द्वितीय भाव का स्वामी मंगल, इसलिए मारक भाव का भी स्वामी मंगल हो गया और आपको बता देता हूं वहां से भाग्य स्थान का स्वामी भी मंगल हो गया। तो ऐसे में मंगल जो है आपको परेशानी में डाल सकता है, आपके धन संबंधी परेशानियां आपके लिए क्रिएट कर सकता है। ऐसे में मंगल के लिए, शुभता के लिए आपको क्या उपाय करना है। बिल्कुल, यदि आप पर कर्ज की स्थिति बढ़ रही है जुलाई 2018 के बाद, तो आपको क्या करना है, ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना है। लालासन पर बैठ के करिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करिएगा और मंगल के 21 नामों को तो आप प्रातःकाल और सायकाल जपना आरंभ कर दीजिए। और क्या करना है मित्रों, पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक दिया प्रज्वलित करना है, ये मीन राशि वालों के लिए भी उपाय रहेगा। और विष्णु भगवान को पीला चंदन अर्पण करना है, ये भी मीन राशि वालों का उपाय है। लेकिन आपको बता दूं हर तरीके से जो विक्रम संवत 2075 है आपके लिए शुभ हो जाए। ऐसे में समय समय पर आपके पास जब मीन राशि वालों को समय मिले वो अपने घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रम, कभी रामचरित मानस का पाठ रख सकते हैं, अखंड रामायण का पाठ रख सकते हैं, माँ दुर्गा का जागरण करवा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन संध्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ धार्मिक संबंधी, कुछ ना कुछ धर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको कार्य अवश्य करना है। और जो भी धार्मिक कार्य हैं आपके आसपास के कहीं भी एरिया के अंदर, तो उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का धन संबंधी आपको परेशानी ना हो विक्रम संवत 2075 के अंदर। ऐसे में मित्रों आपको बता दूं विक्रम संवत 2075 जो कि 18 मार्च 2018 से लगेगा, तो ऐसे में सभी राशि वाले जातकों को एक उपाय और करना है। जब भी कोई नव वर्ष शुरू होता है, जब भी कोई नया कार्य आप शुरू करते हैं, तो सर्वप्रथम आप अपने ईष्ट के नाम से, अपने कुलगुरु के नाम से, अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें जरूरतमंद लोगों को। ऐसे में क्या करना है, पड़ने वाली पहली अमावस्या जो विक्रम संवत से आने वाले 15 दिन के बाद जो अमावस्या पड़ेगी, उस पर आप अपने पितरों के निमित्त जो है दान अवश्य दीजिएगा, पीपल के वृक्ष की सेवा करिएगा। कोई भी राशि का जो जातक हो वो अपने पितरों की सेवा अवश्य करे तो हर तरीके से आने वाला साल उनके लिए शुभप्रद हो सकता है, लाभप्रद हो सकता है। और जरूरतमंद लोगों को जो है भोजन का दान करिए, अन्न का दान करिए, ये कोई भी राशि का जातक कर सकता है। तो जो आपने दिया है वही तो आपको वापस मिलेगा, तो इसलिए हर तरीके से दूसरे के लिए अपने मन से नकारात्मक विचार निकालिएगा, अपने मन में शुद्धता रखिए, विचारों में शुद्धता लाइए। और साथ ही साथ आपको बता दूं मित्रों, आपको कुछ ना कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर उसी की मदद करेंगे जो जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। तो ऐसे में ये था विक्रम संवत 2075 का धन संबंधी राशिफल जो मैंने आपको बताया। मित्रों यदि इस राशिफल को बताते समय मुझसे कोई त्रुटि हुई, कोई गलती हुई, तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा याचना करता हूँ आपसे। और ऐसे में आपके लिए विक्रम संवत 2075 हिंदू नववर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।